ये है दिल्ली दर्पण। ये कोई रहस्य नहीं है कि WWE की आने वाली पीढ़ी को जॉन सीना से होकर गुजरना होता है, जहां कुछ सुपरस्टार द नेशन लीडर को हराकर उनसे प्रोत्साहन पाते हैं, जबकि कुछ और सीना से हारकर अपने कैरियर की गति गवा देते हैं। हर सुपरस्टार सीना के साथ एक मैच का हकदार नहीं है, खासकर जब वो अपने 2 दशक के कैरियर में उस पड़ाव पर हैं, जहां वो सिर्फ विशेष अवसरों पर दिखाई देते हैं। वहां कुछ ऐसे सुपरस्टार भी हैं जो न सिर्फ WWE के फ्रेंचाइज खिलाड़ी के साथ मैच में नहीं, बल्कि उन्हें हराने का भी दमखम रखते हैं। यहां 5 सुपरस्टार हैं जिन्हें 2018 में जॉन सीना का सामना करना पड़ सकता है। ब्री वाइट। इन दोनों ने कुछ साल पहले रेसलमेनिया में भी एक दूसरे का सामना किया था, और पिछले साल के चैम्बर में सीना को वाइट से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इन दोनों को फिर से भिड़ना बहुत अच्छा रहेगा। ना ही ये वाइट को अपने चरित्र को सुधारने का मौका देगा, बल्कि ये उन्हें रेसलमेनिया में एक यादगार लम्हा भी प्रदान करेगा। जिंदर महल। कुछ लोग इस मैचअप में कोई मतलब नहीं देखेंगे। जब जिंदर महल ने मैनचेस्टर में एजे स्टाइल से अपनी WWE चैंपियनशिप हारी, लेकिन ये दुश्मनी काम कर सकती है। अगर WWE इस मैच में US चैंपियनशिप को जोड़ दे, तो US चैंपियनशिप को जोड़ने से ये मैच रेसलमेनिया के काबिल बन सकता है। ब्रॉन स्ट्रोमैन। जॉन सीना ने अपने WWE करियर में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को इंसान बनाया है, और ब्रॉन स्ट्रोमैन का सिनेशन के लीडर से भिड़ना इस बात पर अंकुश लगाएगा कि ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE के अगले बड़े स्टार हैं। इस दुश्मनी में स्ट्रोमैन को विजयी होना पड़ेगा, और ये मुकाबला देखने लायक होगा। फिन बैलर। शायद किसी को याद ना हो, लेकिन वो फिन बैलर ही थे जिन्होंने सर्वाइवर सीरीज के 5-on-5 द एलिमिनेशन मैच में जॉन सीना पर आखिरी वार किया था, जिसके कारण सीना उस मैच से एलिमिनेट हो गए थे। हालांकि WWE ने उस मैच में बैलर को अपने बल पर किसी को पिन करने का मौका नहीं दिया, लेकिन शायद वो लम्हा भविष्य में सीना और बैलर के बीच एक मैच की नींव जरूर रखता था। वोकेन मैच हार्डी। ये उन मैचों में से एक है जिसका WWE यूनिवर्स बेसब्री से इंतजार कर रही है। हालांकि उन्हें इसे पूरा होते देखने में अभी समय लगेगा, लेकिन WWE को इस मैच को 2018 में जरूर करवाना चाहिए। अगर वो ये नहीं करते हैं, तो वो एक बहुत स्पेशल लम्हा बनाने का मौका खो देंगे। अंत में WWE के 2 सबसे बड़े फैन बेस एक दूसरे के आमने सामने होंगे, और ये साबित करने का एक शानदार तरीका होगा कि WWE वोकेन मैच हार्डी के बारे में कितनी गंभीर है, और वो उनको कितना बड़ा स्टार मानती है। सीना पर जीत वोकेन मैच हार्डी को एक अजय बल बनाने में मददगार साबित होगी। देश दुनिया एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए दिल्ली दर्पण TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, या फिर लॉग इन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर